हेलो फ्रेंड्स, स्वाद की बात में आपका स्वागत है। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मलाई पनीर की सब्जी बनाने जा रही हूँ, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। इसके लिए मैंने ये घर की जमी हुई एक कटोरा मलाई ले ली है। इसको मैंने दूध के साथ मिक्सी में चला दिया है, इसलिए बाजार की फ्रेश क्रीम जैसी लग रही है। ये 200 ग्राम पनीर है। थोड़े से मैंने गरम मसाले यहाँ पे लिए हैं, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, तेजपत्ता, थोड़ी सी काली मिर्च, लौंग और ये एक स्टार है। एक टीस्पून मैंने ले लिया है गरम मसाला, एक टीस्पून जीरा है, 1/4 टीस्पून हींग है, 2 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है, आधा टीस्पून मैंने ले लिए हल्दी, 1.5 टीस्पून ये है लाल मिर्च, 1 टीस्पून तेल ले लिया है। तेल बहुत कम लेंगे क्योंकि मलाई में घी होता है खूब। थोड़े से ये काजू हैं, 2 बड़े टमाटर ले लिए हैं पीस के, ये एक प्याज है बारीक कटा हुआ, ये एक हरी मिर्च है जिसको मैंने बारीक काट दिया है, धनिया पत्ती है जिसको भी बारीक काट दिया है, ये अदरक है पिसी हुई, ये कसूरी मेथी है और ये बहुत जरूरी है सब्जी में स्वाद को बढ़ाने के लिए। अब हम मलाई पनीर की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है, अब हम इसमें ये 1 टीस्पून तेल डालेंगे। तेल गरम हो चुका है अच्छे से, तो अब इसमें 1 टीस्पून जीरा डालेंगे, 1/4 टीस्पून हींग, थोड़े से कटे हुए काजू, बाकी गरम मसाले, सभी चीजों को भून लेंगे। काजू और आखे मसाले भून चुके हैं, तो अब इसमें ये हरी मिर्च डाल देंगे, थोड़ी सी अदरक, फिर से चलाएंगे। अब ये बारीक कटा हुआ प्याज है एक, ये डाल देंगे हम अपने मसाले में। प्याज और बाकी मसाले भुन चुके हैं, तो अब हम अपने ड्राई मसाले इसमें डालेंगे। ये 1 टीस्पून नमक है, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और यह है 1 टीस्पून गरम मसाला। सभी को अच्छे से चला लेंगे। अब हम 2 पीसे हुए टमाटर है ये इसमें डाल देंगे। सात आठ मिनट तक हम टमाटर और दूसरे मसालों को पकने देंगे। टमाटर और सारे मसाले पक चुके हैं, तो अब हम ये एक कटोरा मलाई इसके अंदर डाल रहे हैं। अच्छे से चलाएंगे और लगभग 7 से 8 मिनट तक इसे पकाएंगे। मलाई से घी निकलना शुरू हो गया है, तो अब हम इसमें ये 200 ग्राम पनीर डाल देंगे। अब हम कसूरी मेथी डाल देंगे इसके ऊपर
और लगभग 6-7 मिनट के लिए सब्जी को ढक देंगे। अब हम ये ढक्कन हटा देंगे। ये देखिए सब्जी बिल्कुल बनके तैयार है। अब हम इसके ऊपर ये धनिया पत्ती डाल देंगे और गैस बंद कर देंगे। ये देखिए कुछ ही देर में बहुत ही टेस्टी मलाई पनीर की सब्जी बनके तैयार हो गई है। तो आप भी अपने घर पे जरूर से बनाएं मलाई पनीर की ये सब्जी।